फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मिसिंग है। वो ना तो कोई इंसान था, नॉट अ पर्सन, ना तो कोई जगह थी, बट जरूर वो एक चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, बट मैं उसके पास नहीं जा रहा था, और वो थी बुक्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने 6 ऐसे फेवरेट बुक जिसने मेरी लाइफ बदल दी, जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया, जिसने मुझे दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप भी मुझे बताइए कि आपको ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसने आपका नजरिया बदला है। सी यू। 2 मार्च 2023 इज द वर्ल्ड बुक डे। एंड जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, दिस इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी, दिस वीडियो विल कम प्रॉब्ली ऑन 3 मार्च। और मुझे लगा कि इससे ज्यादा बेटर क्या होगा कि मैं बुक्स की बात करूं। वन थिंग विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट इज रीडिंग, एंड मोस्टली रीडिंग सेल्फ बुक, नॉन फिक्शन बुक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 6 बुक जिसने रियली इट हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली बुक है विच हैज रियली चेंज मी इज कॉल्ड द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा आपको पता ही है, ही इज वेरी फेमस एंड उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट ये एक किताब जो मैंने पढ़ी है, मैंने द मॉन्क हु सोल्ड हिज प्राइड पढ़ी है, बट दिस वन बुक इट्स रियली टच्ड मी, मोर सो बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, एंड दिस बुक ने मुझे रियलाइज कराया कि मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे अच्छा क्यों लगता है, वाई इज इट कि मेरा दिन अच्छा जाता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं इस बुक के अंदर, द सोल सेट, द माइंड सेट, द हार्ट सेट। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने इसको नहीं पढ़ी है, यू मस्ट रीड दिस। क्या सिर्फ आप सोच के अमीर बन सकते हैं? अगर इस बुक की माने तो जी हाँ। तो सेकेंड बुक जो मेरी सबसे फेवरेट है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उस बुक का नाम है Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Now, ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी 1937 में, ये पहली बार पब्लिश हुई थी, बट ये बुक आज भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। एंड इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका माइंड सेट कैसे आपको रखना है, आपको कैसे अच्छे लोगों के साथ रखना है, जो पहली बार जो मास्टर माइंड का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से आया, कैसे अपने आप थॉट्स को आप प्रोसेस करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने इस बुक को एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ चुका हूँ, एंड आई होप कि मैं हर साल इसको 1 बार तो फिनिश करूँ। क्या एक इंसान के 2 पिता हो सकते हैं? जोक्स अपार्ट, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें ये बात करते हैं अपने 2 पिता के, बेसिकली नॉट बायोलॉजिकली, बट ही सेज कि जो उनके पिता थे वो थे पुअर, तो ही सेड इन दैट टू बी अ पुअर। उनके फ्रेंड के पिता जिनको वो कहते हैं रिच डैड, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वॉज सुप्रीमली रिच, वेरी रिच। एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने जो उनसे लर्निंग सी, जो उनसे सीखा, उसको उन्होंने रखा है इस बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। नाउ व्हाई दिस बुक इज माय फेवरेट, मैंने इसको भी एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ा हुआ है। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर एंड नाउ पब्लिक स्पीकिंग कोच। मुझे फाइनेंस का कोई भी आइडिया नहीं था, आई वॉज अ लेमैन। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर कैसे होता है, कैसे आपको अपने पैसिव इनकम की तरफ काम करना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही हाईली टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट उनको इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके अंदर फाइनेंस का थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली आपको होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें पढ़ाया नहीं जाता जब हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में होते हैं। यू मस्ट रीड दिस बुक टू बिल्ड योर असेट, टू रिड्यूस योर लाइबिलिटी एंड टू हैव अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम। हाईली रिकमेंडेड। नंबर 3, रिच डैड पुअर डैड। कैसे कोई इंसान $40,000 per year से $40,000 per month पे आ सकता है, और वो भी सिर्फ महीने में 4 दिन काम करके। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मेरी 4th बुक है 4-Hour Work Week बाई टिमोथी और टिम फेरिस। नाउ ये बहुत ही अमेजिंग बुक है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो ब्रेक होते हैं। लोगों को लगता है रिटायरमेंट शुड बी टूवर्ड द एंड, ही टॉक्स अबाउट मिनी रिटायरमेंट, छोटा छोटा बीच में रिटायरमेंट लेना चाहिए। आपको लगता है हर चीज खुद करना है, लेकिन आप कैसे ऑटोमेशन ला करके, कैसे आउटसोर्स करके अपनी लाइफ को और बेटर और रिवॉर्डिंग और इनरिचिंग बना सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड, जो रिकमेंडेशन नंबर 4 है अगर आपने नहीं पढ़ी, और स्पेशली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, दिस वन इज अ मस्ट रीड। सो दिस इज कॉल्ड द 4-Hour Work Week बाय टिम फेरिस। सक्सेस इज नॉट अबाउट कि आप एक दिन कितना बड़ा चीज करते हैं, बट सक्सेस इज कि आप रोज कौन सी चीजें थोड़ी 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 करते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट्स। नाउ हम सबके हैबिट्स होती हैं, बहुत सारी अच्छी हैबिट्स होती हैं, बहुत सारी खराब या बेकार हैबिट्स होती हैं, बट कैसे हम अपने हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम नई अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, और पुरानी हैबिट्स ऐसी चीज में इंडल्ज होते हैं जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, कैसे आप उन हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बुक जो मेरी 2nd, last, or 5th रिकमेंडेशन है जिसने मेरी लाइफ बदल दी, डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने सीखे, उसका नाम है अटोमिक हैबिट्स बाई जेम्स क्लियर। बट इस बुक के अंदर
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो कहते हैं कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज 1% इम्प्रूव हो रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 3700% इम्प्रूव हो चुके होंगे। अमेजिंग इज दैट। और अगर आप 1% रिड्यूस हो रहे हैं, 1% आप डिटोरिएट हो रहे हैं एंड ऑफ द ईयर, तो आप ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। सो इट इज योर चॉइस कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइक हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए आप कैसे दूसरे हैबिट के साथ उसको सटा दो। और ये तो जस्ट दो मैंने एग्जांपल दिए। ये पूरी बुक विच इज मोर देन आई बिलीव 250 प्लस पेजेस, अराउंड 280 पेजेस आर देयर, एक एक पन्ना गोल्ड है। अगर आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने हैबिट्स पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपने ग्रोथ पे काम करना है, तो दिस इज अ मस्ट रीड। सो दिस इज रिकमेंडेशन नंबर 5, Atomic Habits by James Clear। आते हैं अपने आखिरी और फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ। नाउ मैं थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये इस बुक को मैंने सुना ज्यादा है, पढ़ा कम है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट कि दिस बुक विच इज कॉल्ड गेटिंग थिंग्स डन द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी बाय डेविड एलन, इसको मैंने एक्चुअली ऑडिबल पे पहली बार सुना, विच वॉज कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग। बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव दिस कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, 25 काम करने हैं, 50 काम करने हैं, टाइम ही नहीं है, सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, सिर्फ 7 ही दिन है हफ्ते में, काश मुझे एक दिन और मिलता है या काश मुझे कुछ घंटे और मिलते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि नो, इट्स नॉट अबाउट द आवर्स, इट इज अबाउट हाउ यू प्लान, कैसे आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, कैसे आप चीजें कर रहे हैं जिससे आपका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग बुक है अगर आपको प्रोडक्टिविटी में जरा सा भी इंटरेस्ट है। सो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। जो पहली बुक है जो मैंने रिकमेंड की थी, दैट इज 5 AM by Robin Sharma. The dusri book hai, which is called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. The third book is Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. The fourth book, which is must for all entrepreneurs, but also for others, is The 4-Hour Workweek. The fifth book, which I love, is The Atomic Habits. And the last but not the least, Getting Things Done by David Allen. Now, मैंने आपको बता दिए हम मेरे 6 ऐसे favorite book जिसने I believe इन सम वे और अदर्स मेरी लाइफ को बदला है, मेरी लाइफ को इम्प्रूव किया है। आई एम वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि ऐसी कौन सी बुक्स है जिसने आपकी लाइफ को बदला है, आपकी लाइफ में चेंज लाया है। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स। एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। दिस इज हरितोष श्रीवास्तव। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।